हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे कि इंटरपोल क्या होता है और इंटरपोल का अपन क्यों यूज़ करते हैं डीसी मशीन में और इसका क्या फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंटरपोल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले अपन को आर्मेचर रिएक्शन पता होनी चाहिए और प्लस कंपनसेटिंग वाइंडिंग पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो राइट हैंड साइड पे जो आई बटन है ना, उसमें भी मैंने लिंक दे दिया है ये दोनों वीडियो का, और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोज़ के लिंक हैं आर्मेचर रिएक्शन के और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के। तो अभी अपन देख लेते हैं कि इंटरपोल का यूज़ क्यों करते हैं और इंटरपोल होता क्या है। फ्रेंड्स, डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इंटरपोल का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इंटरपोल का यूज़ किया जाता है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप आर्मेचर रिएक्शन वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग वाला वीडियो भी देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये दोनों कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आर्मेचर रिएक्शन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल दोनों का यूज़ अपन क्यों करते हैं, मैंने बता दिया आपको, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, इंटरपोल कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, जो मेन पोल होता है उसके बीच में। देखिए, ये मेन पोल है मशीन का, एक ये पोल है, एक ये पोल है, इन दोनों के बीच में इंटरपोल को अपन कनेक्ट कर देते हैं, एक यहाँ पर और एक इधर पर, ठीक है। यानी एक इधर वाइंडिंग बना लेते हैं अपन और एक इधर वाइंडिंग बना लेते हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं, इंटरपोल। और इसका जो कनेक्शन होता है इंटरपोल का, सीरीज में कनेक्शन होता है किसके साथ, आर्मेचर के साथ। आप लोग देख रहे होंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आर्मेचर है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये अपना स्टेटर है, ठीक है। और जो ये दो दिख रहे हैं ये ब्रशेज हैं। तो आप देखिए, यहाँ से जो ये मैंने वाइंडिंग लेके आई है, तो ये डायरेक्ट मैंने इधर कनेक्ट कर दी है ब्रशेज में, यानी ये आर्मेचर में कनेक्ट कर दी है, और ये इधर से ये फिर बाहर निकल गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर के साथ, वो सीरीज में कनेक्टेड होती है। फ्रेंड्स, जैसा अपन ने कंपनसेटिंग वाइंडिंग पढ़ा हुआ था, उसमें क्या हो रही थी, वाइंडिंग जो किस में कनेक्ट थी, सीरीज में कनेक्टेड थी, लेकिन ये मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड थी, यानी जो मेन जो वाइंडिंग थी उसके साथ कनेक्ट थी अपना आर्मेचर। लेकिन इसमें जो अपनी इंटरपोल होता है, तो इंटरपोल क्या होता है, वो डायरेक्ट अपना कनेक्ट किसके साथ होता है, इसमें सीरीज में कनेक्टेड होता है आर्मेचर के साथ। जो अपना कंपनसेटिंग वाइंडिंग था उसमें सीरीज में कनेक्ट हो रहा था, लेकिन मेन वाइंडिंग के साथ कनेक्ट हो रहा था, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग के, ये इसमें इंटरपोल के साथ, ये इंटरपोल वाइंडिंग के साथ अपना आर्मेचर सीरीज में कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, अब बात यह आ जाती है कि इंटरपोल जब अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, तो इंटरपोल की अपन को क्यों ज़रूरत पड़ गई। फ्रेंड, जो अपनी कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो अपन कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है डीसी मशीन के लिए, इसीलिए इंटरपोल का अपन यूज़ करते हैं। कोई भी मशीन होगी उसमें इंटरपोल का यूज़ ज़्यादा होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ बहुत ही कम होता है, ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अब एक बात और आ जाती है, अब इसमें फ्लक्स कैसे रिड्यूस हो जाता है, यानी इसमें आर्मेचर रिएक्शन जो होती है वो कैसे कम होती है। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, अगर आपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग को अच्छे से समझा है वाला वीडियो देखा है, तो आप लोगों को इंटरपोल बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, इस वाइंडिंग का भी फ्लक्स होगा और इसमें जो आर्मेचर है इसका भी कुछ फ्लक्स होगा, यानी इसका अपना एक करंट होता है और इसका एक अपना करंट होगा। अगर अपना करंट होगा दोनों का, तो इसकी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स भी इन दोनों का अपना अपना होगा। तो अब बात कर लेते हैं अपन, जैसे मान लो इसमें भी एक फ्लक्स होगा और इसमें भी फ्लक्स होगा। अब देखिए, जो इसमें जो फ्लक्स होगा, ठीक है, उसकी मान लो फ्लक्स की डायरेक्शन देखिए इधर पर, मान लो ये अपनी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ठीक है, और इधर का जो फ्लक्स होगा अपना आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा उसकी देखिए ये इस तरीके अपोजिट होगी फ्लक्स की डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन देखिए इस तरफ जा रही है, और इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, इसके बिल्कुल अपोजिट हो रही है। यानी जितना फ्लक्स यहाँ से आएगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या करेगा, ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, जो अपनी फ्लक्स होता है वो कम हो जाता है, और जो मेन फ्लक्स यानी जो अपना आर्मेचर का जो फ्लक्स है, ठीक है, वो मेन फ्लक्स को डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि इस इंटरपोल का यूज़ करने से आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसी यही मेन मतलब है
अपना इंटरपोल का यूज़ करने का। अब देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इसमें देखो फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब इसके आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा इसकी डायरेक्शन देखिए यहाँ पर ऐसी नेगेटिव हो यानी एंटी क्लॉक वाइज होगी, और इसकी जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपोजिट करेगी। अब ये दोनों का जो फ्लक्स होगा वो भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इससे क्या होता है मेन जो फ्लक्स है ठीक है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, और वो डिस्टर्ब नहीं होता है तो मशीन का जो आउटपुट है ठीक है वो परफेक्ट अपन को मिलता है। इसीलिए अपन इंटरपोल का यूज़ करते हैं, लेकिन अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी यूज़ करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, इसीलिए अपन इंटरपोल का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंटरपोल क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है और इसको अपन यूज़ क्यों करते हैं। फ्रेंड्स ये जो डायग्राम मैंने बना के रखा है ऐसा डायग्राम आप अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं ठीक है, और बस इतना आप लोगों को याद रखना है जो इंटरपोल की जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है, लेकिन किसके साथ, ये ब्रशेस लगे हैं यहाँ पर एक कनेक्ट हो जाएगी और ये दूसरा छोर इसका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, और फ्लक्स की डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट होती है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन इसमें रिड्यूस हो जाती है ठीक है, और अपना जो मशीन का आउटपुट है वो अपन को परफेक्ट मिलने लगता है। तो फ्रेंड्स अभी तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इंटरपोल का, आप आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है उसका भी वीडियो देख लेना और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी वीडियो देख लेना, और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मोटर मशीन जनरेटर से और भी वीडियोस अगर आपको देखने हो तो राइट हैंड साइड पे जो आई बटन दिख रहा है ना वहाँ पर भी मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, स्टेपर मोटर, रिपल्शन मोटर, रिलेक्टेंस मोटर, सभी मोटर के वीडियो डाल दिए हैं। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्रेंड्स ये जो प्लेलिस्ट है ठीक है इस प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए, इसमें आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे मोटर मशीन से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।